जय जोहार संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ कवर की। आज हरे वट सावित्री, वट सावित्री और बहुत बड़े पोपट हो गए ना इसमें की दंगत है। सौरभ जोशी के देख देख के कहा हो इसे। हम ना कल रात के रायपुर से घूम के आए हैं और ये भूल गए ऋषि की आज वट सावित्री है। सुबह उठ के मम्मी याद दिलाई से पूरा धड़बी हड़बी तैयार हो। देखो अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं कहा तो मत हो जाता तैयार तो माना तो नहीं है। सोलह श्रृंगार करे लगते इसी की बहुत है। अब मैं गिना तो सोलह श्रृंगार करते करते मेरे को इतने दिखा जी। हेलो जी दादा, इसे जगह ओवर वो दिखा अभी पूरा नहीं हुआ लगता है। अभी नहीं दिखाऊँ। आप सबको जन से मोर एक प्रश्न है, लेडीज मतलब तैयार हो पर कतका टाइम लगता है, यह आप मन कमेंट करके जरूर बताओ। और हमारे यहाँ मैडम जी एक घंटा से तैयार होते। देखो कभी कहती कभी होती तो ना एक घंटा आराम से लगता है। काम नहीं होगी एक घंटा तो आराम से लगता है। काम होगी और जन जल ना अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, देखा दिखाव नहीं हुआ है। तो मतलब मैं बता देती हूँ कहीं भी जाना रही तो एक डेढ़ घंटा पहले बताना बहुत अनिवार्य है तैयार हो। जय जोहार संगवारी हो, वट सावित्री के आप जम्मो संगवारी मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फाइनली रेडी हो गए हैं और ये में हम कल हम रायपुर चल रहे हैं। रात को एक बजे घर वापस आ न याद नहीं रही से पूरा कुछ सब निकाल रहे हैं। हाँ अब ते देवे आज वर गिफ्ट मोला नहीं दे देवे तो ना हम ना एकदम हड़बड़ी हड़बड़ी में सुबह हम तैयारी करें पूरा सब चीज़ की। हम अवश्य हर करके पता रही लेकिन वट सावित्री हर एक पता नहीं रही से घर से थी हड़बड़ी हड़बड़ी। तो फाइनली रेडी हो गए संगवारी हो, गाड़ी भी तैयार हो गई है। चलो चलते हैं, है ना। मम्मी भी जाते हैं आवाज हो गई और पैर इतना चटाक चढ़ जा रहा है। सामने से बैठ नहीं सामान पकड़ के बैठे लगे पीछे गिर गिर जाए पानी वानी भी। चलो चलते हैं संगवारी। तो संगवारी हो पूजा पाठ हो गए कंप्लीट, फेरा लेना बाकी है। कुंवारी धागा से परिक्रमा करना है और देखो कौन कौन आए आप मतलब बताते हैं। ये देखो निन्नी दीदी, ये दीदी, ये देख निन्नी दीदी आए और भाभी भी आए। गुड़िया दीदी हरे, निन्नी दीदी हरे, जो भी बोल सकत हो, है ना। और उतरा ये देख भाभी भी आए और इतरा पांटी भी आए देख। और इधर इधर दिखा रहे इधर भी देख भाभी आए, भाभी के सासू आए, पांटी जी हरे, तरफ मम्मी। तो संगवारी हो वट सावित्री के व्रत पूजा में आप मन तो जानते हो काका नियम रहते तेला, लेकिन फिर भी मैं जो करे हो ओला आप मन तक शेयर करत हो। तो अगर पसंद आई तो वीडियो ला लाइक और कमेंट और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो यहाँ पर हमन करत हन सब सुहागन महिला मन परिक्रमा कुंवारी सूत के करत हो। मैं कई झन मन धागा से ही करते, कई झन मन मौली धागा से ही करते, जिन ला जैसे लगे और जितना श्रद्धा भक्ति रहा है उतना वैसे कर सकत है। तो मैं यहाँ पर वैसी करत हूँ कुंवारी धागा लेके, फिर 108 परिक्रमा कर सकत है, 51 परिक्रमा कर सकत है, 21 कर सकत है, जेखर जितना श्रद्धा भक्ति। तो वैसे ही मन करत है। धूप बहुत ज़्यादा रही से और हमन कल चले गए हैं रायपुर तो बहुत लेट हो गई रही से घर आए में, कबर की गाड़ी भी ख़राब हो गई रही से। आप मन नेक्स्ट ब्लॉग में देखे बार मिली तो उखर वजह से मोल याद भी नहीं, इतना याद रही कि हम अवश्य हर करके। मम्मी रात को 1:30 बजे फ़ोन लगात रही से तो फिर ना मोला लगी से कि मतलब फोन लगा दी छोकरो मोबाइल में एकदम प्रॉब्लम चलत रही, बातें नहीं होती। महू लगाऊँ तब वो बात नहीं होती, सूह लगाते तब वो बात नहीं होती से। और इतना थक गए रहना संगवारी हो कि एक दूसरे को रूम में जाकर बताया कि हिम्मत नहीं होती रही से। तो महू उठ के नहीं कि हम एकदम थकावट लगत रही। कल सुबह से गए रहे हमारे रायपुर तेखर वजह से तो सुबह ही पता चली, सुबह पूरा तैयारी करे हैं दोनों जन, मम्मी पूड़ी और गुलगुला मतलब नहीं से हुआ। अब सुबह से बिचारी बिजी रही से तो यहाँ पर जैसे तैसे करके तैयारी हो गई। ओकर बाद पूजा कर बाद चल देना मना यहाँ पर हो गए परिक्रमा आरती वारती। यहाँ पर हमन करत हन आरती भगवान शिव जी के और जगदीश्वर मतलब कि राधा कृष्ण के आरती करे हैं हमन हा। तो बहुत अच्छा लगी से हमन हा, टोटल 6 सुहागन रहे हैं। मम्मी भी गेरी से लेकिन वो गर्मी की वजह से ना थोड़ा साइड में बैठे थे, पूजा नहीं कर सकूँ क्योंकि व्रत वगैरह नहीं रहा है। लेकिन बोलन कि व्रत नहीं रहा तो कहा हो गए पूजा पाठ कर ले आहस तैसे ही के सब कोई बोलीस ना। तो पूजा करी से आखिरी में जो सिंदूरदानी वगैरह के है तेन मतलब सब करी से और यहाँ पास आरती में भी शामिल हुई से। तो
करत हन पूजा, आप मन बताओ कमेंट करके कैसे करते हो। तो अब अपन घर में ना जैसे चलत आत रहते ना वैसी टाइप के करते हैं सब लोगन मन ह। तो मोला जैसे मैं तो मोर घर में मतलब यहाँ कोई राहत नहीं रही से तो मैं ही स्टार्ट करे हूँ। तो यूट्यूब ला देख देख के और सब अड़ोसी पड़ोसी आंटी भाभी मन से पूछ के ही करता हूँ है ना। तो बताऊँ आप मन कैसे करते हो तेला। तो यहाँ पर ओकर बाद पूजा संपन्न होए के बाद फिर हमन हम परिक्रमा वगैरह करके ओकर बाद फिर सुहागन जितना भी रही तेन मेला चूड़ी बिंदी सिंदूर जितना अपन श्रद्धा हो सके उतना दान देना चाहिए। तो यहाँ पर वही नियम ला करत रहें हमन ह। आरती होए के बाद तो सबसे पहली हाथ पैर दबाहन अच्छा से बरगद वृक्ष के, काबर की ओला परती परमेश्वर माने जाते तेहर से तेहर पूजा करे जाते, शिव जी माने जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वास रथे और सबसे मेन तो माता सावित्री सत्यवान जी रथे जिकर पूजा करके अपन पति के लंबी उम्र के कामना करे जाते। तो यहाँ पर हमन भी सिंदूर दान करत हैं, 7 बार सिंदूर दान करना रहते पेड़ में लगाना रहते बरगद वृक्ष में। ओखर बाद फिर वही सिंदूर से अपन मांगला भरना रहते। तो कई जन मना ना पहले से ही मांग भर के नहीं जा रहा है कि सीधा वट वृक्ष से ही सुहाग ले वो ऐसे करके। तो एक जो भाभी है कत्था साड़ी वाली वो वैसी करी से और मन ठाकुर फैमिली से रही से तो मन वैसी करथन शुरू से करके ना वैसी कराते। और हम ना सिंदूर लगाए बिना पूजा नहीं करन इसी के सिंदूर लगा के ही पूजा पाठ में बैठन। अब अपन अपन सोच रहे थे जैसे अपन घर के नियम रहते वैसी करने लगते। तो यहाँ पर वही करथन हमन बारी बारी से सब सुहागन मन बहुत अच्छा लगते संगवारी हूँ मैं जब ना बचपन में देखो सब महिला मन ना कितना अच्छा है ना ये व्रत उपवास मोरो शादी हुई महू करूँ ऐसे करके। तो फाइनली मोरो इच्छा कम पूरा हो गए बहुत अच्छा लगी से 3 साल हो गए मोर तीसरा व्रत से। आप मन कमेंट करके बताऊँ आप मन के कौन सा नंबर के व्रत है रे हाँ। तो फाइनली 3 साल कम्प्लीट हो गए और धूप भी बहुत ज़्यादा रही से लेकिन पेड़ के छाँव रही से बहुत पुराना पेड़ है रे यहाँ ठीक लगे। यहाँ पर हम सब सुहागन मन गले मिलत हन वट वृक्ष से है ना। यहाँ पे आंटी मन पैर भी दबात रही से तो बहुत अच्छा लगा थी। 7 बार ऐसे भेंट लागना रही थे, हल्दी के लेप चढ़ाना रही थे, हाथा देना रही थे और गौरी गणेश के पूजा करना रही थे, वट वृक्ष के पूजा करना रही थे और का बोलते बरगदा बनाना रही थे, पूड़ी बनाना रही थे, खीर सेवई जो भी जितना कर सको फल फ्रूट जो सीजनेबल फल रही थी ना वो सब लग चढ़ाना रही थे। तो एकदम अच्छा लगते मस्त और कुछ कुछ नया नया सीखे बार मिलते हर साल। काबर की जितना भी तैयारी कर रहे बिना संगवारी हो ये सब पूजा पाठ के लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रही जाते तो ओकर सेती लास्ट में क्षमा याचना कर रहे बिना तो भगवान माफ भी कर देते। तो यहाँ पे सब महिला मन आशीर्वाद लेते हैं ओकर बाद लास्ट में मैं करत हूँ क्षमा याचना। काबर की कोई गलती हो जाते ना तो भूल चूक माफ कर भी भगवान इसी के ओम संक्राय नमः करके बोल के क्षमा याचना करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही करत हूँ, मम्मी भी करत है और बाकी जो मन रही से मोर बगल में रही से वो हाँ दीदी हरे निन्नी दीदी रिश्तम मोर डिशास लगते वैष्णव हरे। ओकर बाजू में जो है वो जीवन भैया है ना ओकर यहाँ के भाभी हरे। तो अच्छा लगी से मस्त पूजा होए के बाद व्रत ल खोले बर 12 ठन चना उबर के बकरी एक साथ निकलना रही थे चापना नहीं रहा चलो देखते हैं काका का वैसे आज निकला रहे थे आज दिन तो भले दवाई खाए पर गला बोल नहीं खाने नहीं खा सकते हैं ऐसा करके यहाँ पर हमन सबको अपन अपन व्रत ला खोला हन चना 12 चना लेहन और एक बर के बफरी जो बोलते बरगद के जो नीकीला वाले रही थे ना सबसे किनारे के पार्ट ओला लेके हमन है नींबू पानी के साथ एक साथ निगलना रही थे 12 के 12 चना के दाना ला एक बरगद के बफरी ला। तो वही करा था ना मना और इतना ज़्यादा सत्र थे ना संगवारी हो ये व्रत ला कर बिना ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाते काबर की जेठ के महीना इतना धूप रही थे और ऊपर से 12 चना एक साथ निगलना रही थे धूप में बैठ के पूजा करना रही थे तो बहुत ज़्यादा सत्र थे। तो यहाँ पर मैं आंटी जी मन ला वो देता हूँ बिंदी चूड़ी श्रृंगार के सामान और कुमकुम तिलक करत हूँ एक दूसरा ला सब करना भी चाहिए ये सब उपवास में ना बहुत ज़रूरी थे। आप मन के तरफ करते हो कि नहीं करो तो कमेंट करके बताऊँ लेकिन करना चाहिए भाई भले ही बिंदी के पत्ता दो एक टोक लेकिन
करो। सुहाग के दान आज के दिन बहुत शुभ माने जाते, तेखर वजह से बोलत हूँ मैं। हाँ, जैसे भी पूरे जो भी होए लेकिन देना चाहिए अपन तरफ से। तो एक दूसरा ला हमन है सब कोई बांटे हैं, ओकर बाद फिर महाराज ला देना रही थे ये सब कुछ ला, तो मैं यहाँ निनी दीदी ला ही दे देन हमन है, काबर कि वो भी महाराज हरे था। और यहाँ पे घर आ गए हो तो घर आए के बाद मामी मन भी आ रही से, छोटे मामी बड़े मामी दोनों मामी, तो वो मन ला भी श्रृंगार के सामान दान करे हूँ, कुमकुम बिंदी लगा के, और पाँव तो नहीं मर परवाए मोर मामी सास मन है। तो राधे राधे बस बोल दे मम्मी भी ये कर दान करी सिंदूरदान। ओकर बाद लास्ट में मैं जो साड़ी चढ़ा रही हूँ ना, एक साड़ी तो महाराज मन ला देना रही थे, और एक साड़ी ला अपन सास ला देना रही थे बायना के रूप में, या फिर सास नहीं जेठाने दे सका तो वही मैं देते रहूँ मम्मी ला। ओकर बाद यहाँ पे सब जन मम्मी पापा रहे थे, भाभी हरे घर में ओखर था। संगवारी हो आज के वीडियो कैसे लगी आप मन कमेंट करके जरूर बताओ, अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दो। मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।